Today our topic is exercise 2.3 of a new book, and that we have to find the logarithm. There are two steps to find the logarithm. Today I will explain that how to find the logarithm with the help of calculator. The calculator की मदद से आप कैसे निकालते हैं logarithm? Book में भी आपके पास एक table होती है, back side पे आंसर दोनों का same आता है. तो अगर आपके पास कोई number दिया हुआ है, मैं for example लेता हूँ 2, 3, 4, 5, उससे इसमें दो चीजें हमें फाइंड करनी है. एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटिसा. ये दो चीजें फाइंड करनी होती है. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लगाना. यानी डेसिमल पॉइंट जो हमने 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन, कि हमें डेसिमल पॉइंट कहां लगाना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. पहले ये बताएं इसका डेसिमल पॉइंट कहां पे है. 2.5 के बाद. जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, ऐसे है ना? और हमें इसका डेसिमल पॉइंट लगाना कहां चाहिए? यानी यहां पे लगाना चाहिए हमें इसका डेसिमल पॉइंट. देन हाउ मेनी डिजिट्स इट मूव? 3. तो बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपके पास 3. यहां पे बात समझ आती है? Yes. तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया पूरा. उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास मेंटिसा. मेंटिसा अब आपके पास बताता हूं कैलकुलेटर की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं. आप लिखेंगे लॉग 2. आपके पास 3, 4, 5. आपके पास कैलकुलेटर पे फंक्शन होगा लॉग का. आपके पास इस तरह से एक है लॉग, सिंपल लिखा होगा लॉग. अगर सिंपल लॉग लिखा हुआ है तो फिर तो आप ये बटन डायरेक्ट दबाएं. दूसरा आपके पास यहाँ दो बॉक्स बने होंगे. जिनके दो बॉक्स बने हुए हैं वो नीचे वाले बॉक्स में पुट करेंगे बेस 10. नीचे वाले बॉक्स में क्या पुट करेंगे? बेस 10. और ऊपर वाले में आप लिखेंगे 2.345. यहाँ पे लिखेंगे आप 2.345. देन व्हाट यू विल गेट द आंसर? कैलकुलेटर पे आपके पास लॉग का बटन आपको मिला 0.37. पूरा बताएं, डिजिट 4 बताया करें. 0.370014. 5 डिजिट तक आप लिखें, ठीक है. पांचवा डिजिट हमने कैंसिल करना होता है. चेक कर लेंगे, किसी को नहीं आया तो मुझे बताएं. ये नंबर नहीं मिला सर, इसके आगे और भी नंबर नहीं. 5 तक आप रुकें. 5 डिजिट रुकने के बाद अब आपने क्या करना है बेटा, आप सुने, अटेंशन ऑन द बोर्ड. ये नंबर आ गए सबके पास. हाँ देखो बेटा, 5 डिजिट, जो पांचवा डिजिट है इसको हमने खत्म करना होता है. और इसको खत्म करने का रूल क्या होता है? वी टेक राउंड ऑफ. इफ दिस नंबर इज 5 आर मोर देन 5, मीन 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको खत्म करते हुए उससे जो पहले वाला डिजिट उसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं. अगर वो डिजिट 5 से बिलो है, यानी 4, 3, 2, 1, फिर हम उसे ऐड नहीं करते. फिर हम सिंपल उसका मेंटिसा लिख देंगे 0.3701, उसको हटा देंगे. पांचवा डिजिट डिपेंड करता है. अगर फॉर एग्जांपल यहां पे होता 5, तो फिर हम क्या कर रहे थे, इसको 2 बना देते. राउंड ऑफ. राउंड ऑफ में बेटा ये चीज होती है कि एक मुझे बात बताओ कि अगर आपके पास है, अगर एक दरम और 60 फिल्स, तो आपको मैं 1 दरम में काउंट करूंगा बेहतर है या 2 दरम में काउंट करूं बेहतर है? व्हाई? बिकॉज यू आर क्लोज टू 2, यू आर क्लोजर टू 2, दैट्स व्हाई. आपके पास 1 था ना, तो 1 ऐड करके 2 हुआ ना आपके पास. तो अब भी यहां पे अगर डिजिट 4 है, तो 4 डिजिट 5 से बिलो है, यानी हाफ से भी पीछे है. अगर वो हाफ से पीछे है तो फिर हम उसकी वही वैल्यू कंसीडर करते हैं. इफ इट इज हाफ आर मोर देन हाफ, देन वी विल ऐड 1. इज इट क्लियर? राउंड ऑफ. तो राउंड ऑफ हम 1 ऐड क्यों करते हैं? तो बेटा उसके बाद जब लॉगरिथम में लिखेंगे तो इस नंबर के साथ आपने इस नंबर को लॉग के साथ लिखना है. कैसे बेटा? इस तरह से लॉग आपके पास 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू, पहले के लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? 3 पॉइंट. फिर उसके बाद 3701, दैट इज अवर आंसर. देखें रूल ये होता है, जब आप लॉग लिखते हैं तो दो चीजों को कंबाइन करना है. एक करना है कैरेक्टरिस्टिक को और दूसरा करना है मेंटिसा. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 3. तो फर्स्ट आई राइट 3, एंड व्हाट इज द मेंटिसा? 0.5. तो आपके पास जीरो की वैल्यू नहीं होती कि डेसिमल से पहले हो, तो आपके पास 0.3.3701. एंड और एक चीज बता दूं, मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव.
मेंटीस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यूं दे देता कि 0.003456 फॉर एग्जांपल, तो बेटा अब मुझे बताओ इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 3 3 श्योर श्योर डेसिमल पॉइंट यहां आएगा, एम आई राइट? लेकिन आपको एक बात मैंने बताई थी, डेसिमल अगर यहां भी 3 है यहां भी 3 है नंबर का तो फर्क है, -3 आएगा। बिकॉज व्हेन डेसिमल पॉइंट मूव लेफ्ट टू राइट, डेसिमल पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव 3 होगा। और इसका नेगेटिव यहां नहीं लिखते, इसका नेगेटिव उसके ऊपर लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं वो आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। हाँ जी, वो यहाँ की बात कर रही है, हाँ यहाँ पे 2 कर देते बाकी सेम रहता, यानी सिर्फ अगर इस नंबर को कैंसिल कर रहे हैं तो इस नंबर को कैंसिल करने के बाद जो उससे पहले वाला नंबर है ना, ये वाला इस नंबर में चेंज आएगा, 1 ऐड होगा। अगर हाँ अगर यहाँ 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 या 9, तो इधर 1 है तो 1 की जगह 2 लिख देते, अगर 2 होता तो बेटा आपके पास बता रहा हूं ना कि इस 4 की जगह 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर होता, बट 5 या अबव देन 5 होता तो उससे जो पहले वाला नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, पीछे वाला खत्म हो जाता है फिर। जैसे मैं आपके पास एक मिसाल के तौर पर यूं बताता हूं, अगर आप मार्केट में सामान लेने के लिए गए हैं और आपके पास जो बकाया बचे हैं 90 फिल्स बचे हैं, बैलेंस कितना है 90 फिल्स, अब 90 फिल्स में से मुझे आप बताओ कि वो आपको बकाए में 75 फिल्स देगा या 1 दरम देगा? 1 दरम, क्यों? बिकॉज यू आर क्लोजर टू वन, तो अब आपको 90 फिल्स तो नहीं देगा, बिकॉज 90 फिल्स है ही नहीं, तो वो आपको 1 दरम देगा। तो लिहाजा आपके पास वो देखना पड़ता है कि वो जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो किसके क्लोज है, वो किसके क्लोज है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड 1। अब यहां पे करेक्टरिस्टिक आ गया नेगेटिव, मेंटीसा, मेंटीसा का जो पुट करने का तरीका वही है जो हमने यहां पुट किया था, यानी आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद लगाना है, हमने यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिया था, अब मेरे पास मैंने ये वाला नंबर लिया है, तो इस नंबर के अंदर क्या आप क्या पुट करेंगे? लॉग 3.456। कैलकुलेटर में पुट करें क्या आता है? 0.5385। अगला डिजिट क्या है? 7। अब देखो अगला डिजिट क्या आ गया? 5वां, 7, ठीक है ना। अब जब अगला डिजिट 5वां आया 7, तो हमारे पास मेंटीसा क्या बन जाएगा बेटा? 6। देखें जवेरिया, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, जब लॉग कैलकुलेटर में पुट किया तो क्या आया? लॉग 3.456 आपने पुट किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया टोटल 5वें डिजिट तक, लेकिन हमने इस 5वें डिजिट को क्या कर देना है? खत्म। जब इस 5वें डिजिट को खत्म करना है तो रूल के तहत क्या है, इसको खत्म करते वक्त ये चेक करना है, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करो। पहले क्या था यहां पे? 5, अब क्या लिखा? 6। अगर यहां पे होता 4 3 2 या 1 तो फिर वैसे के वैसे रहता, यानी राउंड ऑफ लेना, वो 5वें डिजिट को देख के लेना। मेंटीसा मिल गया, करेक्टरिस्टिक भी मिल गया, तो फिर आपने क्या करना है बेटा? लॉग आपके पास लिखेंगे 0.00345 इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव आपने ऊपर लिखे, क्योंकि मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव से हम यहां पीछे नहीं लिखते। फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा के बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, इसी तरह से कोई सा भी नंबर हो, अगर आपके पास अब ये वाला नंबर है 0.00004 ले रहा हूं, ठीक है, अब आप लोगों से पूछता हूं व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर? -5। गुड, तो करेक्टरिस्टिक को सी एच से शो करता हूं, तो आपके पास -5 बिकॉज डेसिमल पॉइंट यहां आएगा लाइक दिस। मेंटीसा के लिए क्या पुट करेंगे बेटा हम? सर लॉग, ठीक है, लॉग 0.00 नहीं, ओनली 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तब भी ठीक है या 4.0 पुट करेंगे तब भी ठीक है? 0.00
अब आपके पास क्या आ रहा है 0.60205। अब पांचवा डिजिट क्या है? 5 है, पांचवा डिजिट 5 है ना। तो मैंने इस 5 को क्या करना है बेटा? फिनिश कर देना है। इसको जब खत्म करना है तो क्या आएगा? 1। तो लॉग आप उसके बाद क्या लिखेंगे? लॉग 0.0004। बेटा खाली 4 लिख दे, लॉग 4 तो भी एक्सेप्टेबल है। लॉग 4.0 दिखे तब भी आंसर सेम देगा वो। चेक इट, 5 पॉइंट। अच्छा अब अगर आपके पास ये सारी वैल्यू डायरेक्ट लॉग में पुट करें कैलकुलेटर में तब भी हमें आंसर देता है, लेकिन आपने जब सॉल्व करना है हमेशा पहले करेक्टरिस्टिक और फिर मेंटीस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी वो आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम तो आपने दो स्टेप में क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप क्या है? करेक्टरिस्टिक। और दूसरा स्टेप क्या है? मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है जी, कौन बताएगा? जितने डेसिमल पॉइंट मूव करता है कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने करेक्टरिस्टिक लगाना होता है, करेक्ट। उसके बाद हमें मिल जाता है करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा के लिए जब आप पुट करोगे तो डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ पार्ट पुट करोगे, यू नहीं पुट करना, 003 नहीं पुट करना। आपने क्या करना है? 3.456 पुट करेंगे तो क्या आएगा? मेंटीसा। जब वो मेंटीसा आएगा तो फिर आपने यहां पे लॉग के साथ लिख देना है। अब एक चीज का ख्याल करना है आपने, ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वरना ये बुक पे टेबल पे ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो लॉग यू पुट नहीं करना, ठीक है? वो आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपके पास समझ आ गया। 2.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी तरह से है, राइट? कर ले बेटा इसे। ओके नाउ 2.4 एक्सरसाइज में, 2.4 एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पास यहां से हमने लगाया लॉग की फॉर्म में लिखा, अब 2.4 एक्सरसाइज में हमने दोबारा वापस स्टेटमेंट में जाना है। यानी अगर वो वापस हमें स्टेटमेंट चाहिए देन हाउ कैन वी फाइंड दैट वन? तो बेटा उसके लिए हम लेते रहते हैं एंटी लॉग। क्या लेते हैं? एंटी लॉग। यानी इस नंबर को जो आंसर आया हुआ इसके साथ आप लिखेंगे एंटी लॉग 3.3701। अगर मुझे जरा वो बताओ तो ये पहला 3 क्या था? ये पहला जो 3 था हमने क्या लिखा था? करैक्टरिस्टिक लिखा था, गुड। और दूसरा हमारे पास था मेंटीसा। मेंटीसा हमारे पास क्या था? 0.3701। अब जब तुमने मेंटीसा निकालना है तो एंटी लॉग के तहत निकालना है। अब आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर पे प्रेस करें बटन शिफ्ट और उसके बाद फिर लॉग वाला बटन प्रेस करें तो 10 की पावर में बता रहा होगा वो, 10 की पावर में। उसमें मेंटीसा लिखे क्या आता है? 0.3 ना लिखे, बस लिखे 3701। एरर दे रहे? यस सर। लेट मी चेक। आपने कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगा। वहां पे आपने लिखना है 10 की पावर में 0.3701। देन व्हाट यू विल गेट द आंसर, टेल मी। अब देखें क्या आया, 2.3476। या बल्कि मैं यहां लिख के बता देता हूं, क्या आया? 2.44 है, 34 नहीं है। शिफ्ट दबा के बेटा डबल फोर सेवन पूरा नंबर पढ़े। थ्री फोर सेवन। बस ओके स्टॉप, ये नंबर आ रहा है? Yes, sir. आप शिफ्ट दबा के, ठीक है, लॉक का बटन प्रेस करें। लॉक का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास 10 की पावर में आएगा, वहां आप लिखे 0.3701। अब देखिए बेटा इसका करैक्टरिस्टिक क्या था? करैक्टरिस्टिक इसका 3 था। अब 3 डिजिट आपने इसको वापस करने हैं, 3 डिजिट। पहले हमने क्या किया था, 3 डिजिट लेफ्ट टू राइट आए थे ना, अब 3 डिजिट आप बैक जाएंगे। जब 3 डिजिट बैक जाएंगे तो यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच, तो क्या आ जाएगा? 2.3444.7। क्या सुने? अब मेरी बात सुने, अब पांचवा डिजिट क्या आ रहा है? अगर इसको खत्म करना है तो क्या करूंगा? तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब इसे 5 करूंगा देखो वही नंबर आ गया, वापस नहीं आ गया। मैं दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर,
इस क्वेश्चन के अंदर अब आपके पास जब आप प्रेस करते हैं एंटी लॉक के अंदर, तो एंटी लॉक के अंदर 10 की पावर इसका मेंटीसा क्या है 0.5386 पुट करें, शिफ्ट लॉग 0.5386 पुट करें और मुझे बताएं क्या आता है। एक सेकेंड, 3.4520 पांचवा डिजिट हमारे पास जीरो, तो वैसे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर, -3। -3 का मतलब क्या है, आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करना है। कितना? लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट। एक डिजिट तो बेटा हमारे पास ऑलरेडी है, एक डिजिट ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या आ जाएगा 0 0 और अब 3 डिजिट हो गए कि नहीं हो गए, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और 4562। क्या आपके पास ये नंबर था कि नहीं था? उसमें नहीं, अब यहां पे देख लो, वो तुम्हारी कॉन्फिडेंट वन बाय वन खत्म करता जा रहा हूं मैं। अब यहां पर भी वही, ये नंबर सेम आपने क्या करना है बेटा, पहले एंटी लॉग के साथ लिखना है। किसके साथ? एंटी लॉग के साथ वो नंबर लिखना है आपने, क्या 5.6021। फिर आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग कर लेना है, जो हमने ऑलरेडी अलग किया होगा। करेक्टरिस्टिक इसका ये, मेंटीसा ये, और करेक्टरिस्टिक क्या है इसका? माइनस जी, ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखें, अब आपने एंटी लॉग के अंदर जाके जब बटन प्रेस किया तो वो 10 की पावर आपने क्या लिखना है उसका, मेंटीसा, मेंटीसा उसका क्या था? 6021.6021 पुट करें, क्या आएगा आंसर? शिफ्ट लॉग 0.6021 पुट करें, 4.003 ओके फिर ओके, इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये एंटी लॉग का मेंटीसा आ गया, अब हमें करेक्टरिस्टिक को वापस करना है। करेक्टरिस्टिक क्या था इसका? माइनस फाइव का मतलब क्या है, आपने लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट मूव करना है। कितने? 5। एक डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, yes. तो हमें अपनी तरफ जीरो कितनी लगानी पड़ेगी? 4। तो आप क्या लिखेंगे? 0.0004 पांच डिजिट। तो हमारे पास ये आंसर है, क्या ये स्टेटमेंट थी कि नहीं थी? Yes, sir. यानी एंटी लॉक किस लिए यूज करते हैं? वी गो बैक, यानी जहां से आपने सवाल स्टार्ट किया था, तो हमें उसके लिए एंटी लॉग यूज करना है। समझ आई बात? ट्राई इट, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन।